ंग फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स यू आर सींग वॉट यू आर लिसनिंग आज ऑन यूट्यूब चैनल एंड आल्सो ऑन फेसबुक वी आर फ्रॉम मिजाक एकेडमी मिजाक अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आप यूट्यूब चैनल पर आप अभी लाइव हैं और फेसबुक पर भी लाइव है तो हमारे जो मित्र चाहे वो किसी भी मीडियम को वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी आज हम आपका वी आर गोइंग टू टैक योर टेस्ट योर नॉलेज टू टेस्ट योर नॉलेज वी आर नाउ Ready to uh, face 40 questions of objective kind. And these questions are being asked in various exams, various competitive exams, whether it is uh, constable or patwar exams, or read level first or second, school uh, lecture, college lecture, and uh, state PCS and also civil services. So those preparing for SSCs or bank, uh, PO bank clerical exams or railways, NTPCs, and uh, some more exams like insurance. आर बी आई गवर्नर्स तो दीज एग्जाम्स तो यू नो वी आर नाउ दिस टाइम रेडी टू टेस्ट योर नॉलेज एंड टुडे इज़ नो टुडे इज संडे एंड एट एवरी सन्डे वी आर गिविंग सम मोर एंडिंग सम मोर टेस्ट टू कंडक्ट टेस्ट टू टेस्ट यूर नॉलेज तो आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम रोजाना कुछ टेस्ट लेके आते हैं और वो आपका संडे संडे का दिन पूरा टेस्ट का दिन होता है तो हमारी जितनी भी जो फैकल्टीज जो अवेलेबल रहती है दे आर टेकिंग टेस्ट ऑफ़ मैथ्स एंड रीजनिंग दे आर टेकिंग ऑफ टेस्ट ऑफ वाट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर नॉलेज टू टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इट इज आल्सो वी आर टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हिंदी लैंग्वेज टेस्ट सो ऑन द संडे ऑन द ओकेजन ऑफ संडे वी पुट होल डे ऑन टेस्ट So practice test, practice test, practice test is needful. Is very needy thing for everybody who is preparing for competitive exams. So uh, those aspirants, those students who are ready to face uh, this time the exam of what competitive exams. So to test your general knowledge, to test your general studies, uh, to. Uh, uh,

क्वेश्चंस में भी इन इंग्लिश लैंग्वेज लेकिन हम उसको हिंदी में भी आपसे पूछेंगे आपको ऑप्शन में जो सही लगता है उसको आप अपने जो इंटरेक्टिव जो आपका पैनल आपको पता है यूट्यूब पे आपको एक मौका दिया जाता है आप कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पे भी आपको कमेंट का मौका दिया जाता है तो वह उस पैनल पे भी उस पर आपके दोनों प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है और दोनों प्रकार के जो मंच है उस पर आप अपना आंसर है कमेंट कर सकते हैं और अपना आंसर है आपको कमेंट करना उसके लिए आपको इनिशियली टेन सेकेंड्स का टाइम मिलेगा एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद वी आई विल गिव यू टेन सेकेंड्स टाइम और टेन सेकेंड्स टाइम में आपको अपना ऑप्शन है वो सही करना है जो भी आपका आपके हिसाब से जो सही ऑप्शन रहता है उसको आप कमेंट कीजिए और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए देखो ये अभी स्टार्ट है समझ लीजिए लेकिन हमें और कई संडे तक कई एग्जाम्स की जो जो प्रैक्टिस है वो करनी है और क्वेश्चंस के ज़रिए हम अपना नॉलेज है वो टेस्ट करते रहेंगे ये हर सब्जेक्ट होगा जीएस के भी जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हम लेके आए थे जैसे मॉर्निंग को हमने आर्ट एंड कल्चर का जो टेस्ट है वो आपका लिया अभी उसके बीच में हमने जो मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट लिया अभी हम आपके समक्ष सिर्फ जनरल स्टडी यानी जीके का टेस्ट है वो लेके आए तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस का भी टेस्ट होगा इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज का होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा तो ये टेस्ट भी होते रहेंगे लेकिन आपको जब हमारा जो YouTube चैनल पे हमारे जो फॉलोवर्स हैं जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको एक चीज़ ध्यान रखना है वो है बेल आइकन तो बेल आइकन अगर दबा हुआ तो हमारी लाइव जो लाइव क्लास जब भी शेड्यूल्ड होगी या रीशेड्यूल्ड होगी या शेड्यूल हमारा जब भी एडजस्ट होता है आपको मैसेज उसका जरूर मिलेगा तो इसीलिए बेल आइकन सभी अपने जो सहपाठियों को बताएं कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी अगर क्लास आप, आपको अगर उसका नोटिफिकेशन चाहिए कि मुझे इस चैनल पे क्लास ये लेनी है या ये टेस्ट मुझे अटेम्प्ट करना है तो आप जरूर उसको बेल आइकन को दबाइए तो सबसे जरूरी है कि सभी अपने जो सहपाठियों को चैनल को सब्सक्राइब करने का बोले उनको शेयर करें और लाइक करना जरूर ना भूलें तो लेट अस स्टार्ट टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ऑप्शन ए विच क्या है क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िए विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ऑप्शन ए ई रदरफोर्ड ऑप्शन बी नीज बोहर सी इसाक न्यूटन एंड डी इज जॉन डाल्टन देखिए मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ लिया हिंदी में मैं बता देता हूं कि किस वैज्ञानिक को जो नाभिकीय भौतिकी का फादर यानी पितामह कहा जाता है नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर यानी कि पितामह इसका जो नाभिकीय भौतिकी है इसका जो पिता है वो किस वैज्ञानिक को कहा जाता है ए पहला ऑप्शन है आपका ई e, रदरफोर्ड है बी नील्स बोर है सी आपका इसराक न्यूटन है और डी आपका जॉन डाल्टन है आपका टाइम शुरू होता है अब दस सेकेंड आप इसको फटाफट करके देखिए हाँ जी तो आपका इसमें ऑप्शन होगा ई रदर कौन सा ऑप्शन होगा ई आपका रदर आपका ऑप्शन होगा हाँ जी ई रदर ये आपका सही ऑप्शन है सही होगा और इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप जानते हैं कि ई रदर न्यूजीलैंड बोर्न ब्रिटिश साइंटिस्ट था न्यूजीलैंड बोर्न ब्रिटिश साइंटिस्ट था और इनको जो रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ के इनोवेशन के लिए या डिस्कवरी के लिए जाना जाता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपने हाफ लाइफ पढ़ा होगा साइंस के जो स्टूडेंट हैं दे नो इट वेरी वेल वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं सो दे नो इट्स वेरी वेल अबाउट वॉट हाफ लाइफ ऑफ हाँ जी तो आप आपका जो रदर फॉर वेरी गुड मिस्टर हरी गिरी हिंदी में बोलो अच्छा जी जरूर हिंदी में ही बोलूंगा और अंग्रेजी में भी बोलूँगा आप निश्चिंत रहिए और जो भी हमारे हिंदी भाषी जो प्रतिभागी है दे कैन आज तो वो भी हिंदी में जरूर आप हमें सुन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आ, मिस्टर ली, लीलू राम मीना जी हाँ अर्नेस रदरफोर्ड तो रदरफोर्ड के बारे में हम ये कह रहे थे कि रदरफोर्ड न्यूजीलैंड का जन्मा हुआ और ब्रिटिश नागरिक एक जो आप ब्रिटिश आपका वैज्ञानिक था ठीक है पहली बात ये रदरफोर्ड ने जो खोज की है वो किसकी की देखिए ये एटीन 18, अट्ठारह का इसकी पैदाइश है एटीन सेवेंटी वन अठारह सौ इकहत्तर की इसकी पैदाइश है और ये कहाँ पैदा हुए थे न्यूजीलैंड में एंड जेड न्यूजीलैंड में पैदा हुए लेकिन ब्रिटिश के नागरिक बाद में बनकर ब्रिटिश साइंटिस्ट माने जाते हैं ब्रिटिश यानी कि आप समझ रहे हैं यूके लेकिन इसको जो एक इन्होंने जो खोज की है वो एक कंसेप्ट दिया है रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ ठीक है ना जिसको आप रेडियो एक्टिव जो अर्ध जीवन कह सकते हैं हिंदी में जो विद्यार्थी है वो अर्ध जीवन हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी अर्ध लाइफ कैसे कैलकुलेट की जाती है ये चीजें दी है रदर ने ठीक है ना तो रदर आपका ऑप्शन होगा अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या है देखिए हाँ जी अगला प्रश्न है आपका इंडियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इस भारत का सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है वो कौन सा है इंडियाज व्हाट इंडियाज ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो कौन सा ऑप्शन आपका ये है रॉबर्स कप दूसरा है संतोष ट्रॉफी तीसरा है डूरेंट कप और चौथा है आई एफ ए शील्ड ठीक है ना तो चार ऑप्शन में से आप देखिए सबसे पुराना जो फुटबॉल का जो टूर्नामेंट यानी फुटबॉल की प्रतियोगिता है वो सबसे पुरानी कौन सी है आप अपने ऑप्शन में चेक करिए और आपका जो टाइम शुरू होता है दस सेकेंड आप फटाफट करिए जी तो आपका इसमें आंसर होगा डूरेंट कप ठीक है डूरेंट कप है वो भारत का फुटबॉल का टूर्नामेंट हालांकि ये सारे फुटबॉल के ही है निश्चिंत रहे रोवर्स का फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का डरेंट का फुटबॉल का आई एफ शील्ड भी फुटबॉल का ही कप है इसके अलावा फुटबॉल के और भी कप्स है जो जो टूर्नामेंट के नाम है अलग अलग तो इनमें सबसे पुराना जो है वो आपका डूरेंट कप है कौन सा है डूरेंट कप डूरन कप इतना पुराना है जिसको आप एक आठ आठ यानी एक साथ तीन आठ के रूप में इस सन में देख सकते हैं कि इस समय ये शुरू हुआ था अट्ठारह में 1888 में ये आपका जो गेम है ये टूर्नामेंट है ये आपका शुरू हुआ था डेंट कप ठीक है ना डूर कप कब शुरू हुआ है आपका 1888 में तो एटीन में आपका जो डूरन कप शुरू हुआ उसको आप देख सकते हैं देखिए हाँ डूरट कप जो आपका एशिया का यू समझे सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है लेकिन वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट है, कि विश्व का इसको तीसरा सबसे पुराना मान सकते हैं विश्व का सबसे तीसरा तो विश्व का थर्ड और एशिया का फर्स्ट है एशिया का सबसे पहला आप कह सकते हैं न केवल भारत का एशिया का पहला पुराना जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है एशिया का फर्स्ट हो गया और वर्ल्ड का इसको आप थर्ड मान सकते हैं वर्ल्ड का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है और ये लॉन्च कब हुआ इसको याद रखिए ये स्टार्ट हुआ 1888 में 1888 में ये आपका लॉन्च हुआ 1888 में फर्स्ट इंडियन फुटबॉल कंपटीशन इंसिडेंटली थर्ड है आपका पूरे वर्ल्ड का तो इसको जो शुरू करने का श्रेय जाता है वो है सर मोरटीमर डूरेंट जो आपका डूरेंट नाम लिया ना ये ये डूरेंट नाम किससे लिया है सर मोर्टीमर डूरेंट ये इन्हीं के नाम से इस कप की शुरुआत हुई थी सर मोर्टीमर ड्यूरेंट और ड्यूरेंट के नाम से इसको इस कप का नाम दिया गया सर मोर्टिमर ड्यूरेंट और इसके बारे में अगर जानकारी है तो देख लेते हैं हाँ जी ड्यूरेंट कप ड्यूरेंट कप इज इंडिया ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है अमोंग ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड के अंदर इसका ओल्डेस्ट माना जाए वर्ल्ड में सबसे पुराना कौन सा है तीसरा है। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से फुटबॉल के कप होते हैं तो आपने कप में देखिए और पुराने जो कपों में हाँ जी और कप में आपका रोवर्स कप हो गया संतोष ट्रॉफी हो गया आई एफ ए शील्ड हो गया इसके अलावा आपका एक है सुब्रतो सुब्रतो कप एक आपका सुब्रतो कप हो गया सुब्रतो कप के अलावा एक आपकी आई लीग होती है आई लीग हो गया ठीक है ना आई लीग तो ये कुछ और भी सुब्रतो कप को भी आप जानते हैं और मोहन बागान की जो टीमें होती है ठीक है ना तो ये टीमों का आपको टीमें भी काफी अलग है, टीमों के सेक्शन में स्क्रीज को देखेंगे हाँ जी तो अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलज छाचर छाचर ठीक है ना क्या है पोलज परोती एंड छाचर यानी ये किसके नाम है किससे रिलेटेड है दीज आर काइंड्स ऑफ पोलज परती या परौती ठीक है या परोती और तीसरा है चासर इसके साथ एक बंजर भी शामिल होता है बंजर लेकिन बंजर हमने इसलिए नहीं लगा क्योंकि बंजर आपको बता दे तो आप पता कर लेंगे कि साहब ये तो जमीन का केस है ठीक है ना जमीन की किस्म से संबंधित है कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इसलिए सीधा आप ऑप्शन में सही कर देते हैं इसीलिए हमने इसमें बंजर नहीं बताया तो आपका इसमें ये जो तीन शब्द है वो किससे संबंधित है ये एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित है कृषि भूमि के प्रकार से संबंधित जो है और ये कब हाईलाइट हुआ यह अकबर के समय में अकबर के समय में जमीन की जो मेजरमेंट है उसकी पैमाइश है वो शुरू उससे पहले जमीन की पैमाइश का कोई वैज्ञानिक वैज्ञानिक ज्ञान किसी को था नहीं इसलिए अकबर के समय में ये चीजें शुरू की गई थी ठीक है तो अगला प्रश्न देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेज थ्रू अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है जो आपने काफी नाम सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो कहां से गुजरती है मलका स्टेट से जिब्राल्टर स्टेट से बेरिंग स्टेट या फ्लो पीडा स्टेट मतलब कौन सी स्ट्रेट को जिसको जल डमरू मध्य कहते हैं आप हिंदी में स्ट्रेट को क्या कहेंगे जल डमरू मध्य तो किस जल डमरू मध्य से ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो गुजरती है ठीक है ना स्टेट का मतलब आप समझिए ये जल डमरू मध्य है जल डमरू मध्य ठीक है।, है और बाकी ये जो नाम तो आप हिंदी में इंग्लिश में यही रहेगा मल्लका का बेरिंग रहे फ्लोरीडा का रहेगा जिब्राल्टर जिब्राल्टर रहेगा आपका बैरिंग का बैरिंग रहेगा और फ्लोरिडा का फ्लोरिडा ही रहेगा तो ये आपके ऑप्शन है आप अपना आंसर कमेंट कीजिए फटाफट दस सेकेंड का आपके पास टाइम है इंटरनेशनल डेट लाइन हाँ जी तो आपका ऑप्शन कमेंट करिए आप फटाफट मिस्टर शर्मा क्या लिख रहे हैं मलक्का स्टेट जिब्राल्टर स्टेट बैरिंग स्टेट और फ्लोरिडा डी में आपका ये फ्लोरिडा नहीं है फ्लोरिडा ठीक है ना फ्लोरिडा डी ऑप्शन में आपका क्या आएगा फ्लोरिडा ठीक है फ्लोरिडा तो आपका क्या ऑप्शन है आंसर बताइए फटाफट हाँ जी तो इसमें आपका बैरिंग स्टेट आएगा बैरिंग स्टेट से ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है लेकिन आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो उत्तरी ध्रुव है आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है आपको पता है इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है दूसरी बात यह है कि इसमें देखिए यह मान लिया कि दोनों ध्रुवों के बीच अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके अगर आप वेस्ट में जाओगे तो एक दिन क्या करोगे प्लस कर दोगे इसके अगर ईस्ट में जाओगे तो एक दिन क्या करोगे माइनस कर दोगे ये आपको ध्यान रखना होगा यानी इस डेट को पार करते ही आपका हाँ जी इस डेट को पार करते ही आपका क्या हो जाएगा एक दिन प्लस हो जाएगा इस मतलब अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे वेस्ट बढ़ जाओगे अगर आपने हाँ जी तो हमारे साथी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं हाँ आगे बढ़िए हाँ मिस्टर सुमित सिंह आपका हाँ परेन कुमार प्रेरणा कुमार ठीक है प्रेरणा कंवर ठीक है हाँ जी तो आपका ऑप्शन है वो सी बिल्कुल सी बैरिंग स्टेट सही है और इंतरा, जो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है एक तो आप ये इसका ज्ञान रखें दूसरा इसको ये है कि इसको अगर मान लिया कि आप इसको पार करके अगर आप पश्चिम दिशा में गए एक दिन प्लस हो जाएगा यानी एक दिन जुड़ जाएगा अगर आप मान लीजिए इसको पार करके उधर से इधर पार करोगे तो एक दिन आपका लेस हो जाएगा यानी ये डेट और टाइम क्या चीज देती है ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो डेट और टाइम यानी ये दोनों इस इसको पार करने से ये दोनों चेंज हो जाते हैं डेट और टाइम डेट यानी कि आप क्या सकते हैं तारीख और समय दोनों इसको पार करने से बदल जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो रेखा है दोनों ध्रुवों को जोड़ती है अगला प्रश्न देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला क्वेश्चन आपका है विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अमॉन्ग दस इज और आर करेक्ट मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको आप कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य है। तो संविधान भारतीय संविधान के अंदर हमारे जो मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्यों को लेकर के कौन सी बात है वो सही है आपको पहचाननी है पहला देखिए द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अस वायर यू यानी पहला आपका जो जो ऑप्शन है पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि इस जो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो हमने जो अवधारणा है कंसेप्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटी जिसको आप मौलिक कर्तव्य कह सकते हैं इसकी जो हमने अवधारणा है वो कहां से ली है वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस के संविधान से ली है कहां से है सोवियत रूस के संविधान से ली पहला पॉइंट ये उसके बाद दूसरा देखिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रेकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में इस प्रकार की जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों से किया गया है तीसरा बिंदु यह कहता है कि आर्टिकल इक्यावन ए डीज विद द फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो

तो पहला मैंने आपको बता दिया कि पहले जो ये कह रहा कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में जोड़े गए हैं वो सोवियत रूस के संविधान से लिए गए पहला आपका स्टेटमेंट ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा कि सरदार स्वर्ण सिंह की हमारी जो सिफारिश हुई है और उस सिफारिशों के तहत जोड़ा गया और तीसरा कह रहा कि आर्टिकल इक्यावन ए जो आपका अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद इक्यावन ए है और उसके वो आपका इसी उसी के अंदर है आपका हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उसमें दे रखे हैं तो आप तीनों में से जो भी आपका ऑप्शन है वो फटाफट करिए हाँ जी सही जवाब कोट करें ऑप्शन में मिस्टर सुमित सिंह बता रहे हैं ऑप्शन सी ऑप्शन सी यानी ओनली टू एंड थ्री यानी कि सुमित सिंह जी आपका मतलब है कि पहला जो कह रहा है कि हमें जो मौलिक कर्तव्य है वो सोजी सोवियत संघ के संविधान से नहीं लिए गए हाँ प्रेरणा कंवर भी बता रही है तीसरा ऑप्शन तीसरा यानी कि सी यानी कि आप भी कह रहे हैं कि दो और तीन सही और एक गलत है जबकि पहला आप गलत बता रही है सुमित सिंह भी पहले गलत बता रहे हैं सुमित सिंह का ऑप्शन ए है ऑप्शन ए यानी ओनली वन एंड थ्री सुमित सिंह दूसरे पॉइंट को गलत बता रहा है कि सरदार सोवर्ण सिंह की समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य लागू नहीं किए गए हैं हाँ जी तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें तीनों सही है आपके ऑल थ्री स्टेट्स में से वो तीनों सही है जो सोवियत रूस से के संविधान से लिए गए ये भी सही है सरदार सुवर्ण सिंह जो सिफारिश है उसी के तहत ये इनको शामिल किया गया और तीसरा जो इस जो अनुच्छेद इक्यावन ए है उसी के अंदर आपके जो मौलिक कर्तव्य है वो दे रखे ठीक है।, है अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हॉर्स ट्रेडिंग इज जनरली एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग की जो आपकी जो जो टर्म है वो किससे किससे रिलेटेड करती है किससे जुड़ी हुई है क्या वो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से जुड़ी है क्या पॉलिटिक्स क्या वो राजनीति से जुड़ी है क्या वो कॉमर्स यानी कि वाणिज्य से जुड़ी हुई या फिर यह वैटिनरी साइंस जो आपके जो आपका वैटरीनरी जिसको पशु विज्ञान कह सकते हैं पशु विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं मतलब हॉर्स ट्रेडिंग हॉर्स ट्रेडिंग जिसको आप कह सकते हैं हॉर्स का मतलब घोड़ा और जो हॉर्स का घोड़े का जो व्यापार है उसको लेकर के एक टर्म है जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो किससे जुड़ी हुई है आपकी हॉर्स ट्रेडिंग जो आपकी टर्म है वो किससे जुड़ी हुई है आपको पहचानना है हाँ तो ये क्या है हॉर्स ट्रेडिंग जो हम सुनते आए हैं हॉर्स ट्रेडिंग यानी यही एक ऐसा है जो घोड़ों का व्यापार होता है क्या हॉर्स ट्रेडिंग में क्या होता है देखिए जैसे वेटरनरी साइंस यानी पशु विज्ञान से संबंधित है तो समझ समझेंगे घोड़ों का व्यापार है तो मेले वेले लगते होंगे और वहां घोड़े बेचे जाते होंगे हॉर्स ट्रेडिंग तो हम तो ये समझते हैं लेकिन आप इसको हॉर्स ट्रेडिंग को किस रूप में समझते हैं क्या वो आप इकोनॉमिक में लेते हैं या पॉलिटिक्स में लेते हैं कॉमर्स में लेते हैं या वेटनरी साइंस में लेते हैं यानी कि इकोनॉमिक वाला अर्थव्यवस्था में लेते हैं राजनीति में लेते हैं वाणिज्य में लेते हैं या फिर आपकी पशु विज्ञान में आप इसको मानते हैं आप फटाफट कमेंट करें अपना आंसर कमेंट कीजिए मिस्टर ब्रजेश चीपा, ब्रजेश जी आप क्या बता रहे हैं ऑप्शन ए सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में ऑप्शन ए आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में ये चीजें होती है आपके हॉर्स ट्रेडिंग हॉर्स ट्रेडिंग आपने कभी ये जो वर्ड है न्यूज़पेपर में काफ़ी आते रहते हैं हॉर्स जैसे कि देखो एम एल के जो खरीद फरीद को खरीद फरोख्त का मामला जो चलता है उसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग ठीक है ना जब किसी सरकार को बनाना हो किसी सरकार को गिराना हो तो लोग क्या करता है कि पैसे के बल बूते पे कई एम को उठा के खरीद लेते हैं और अपने पक्ष में वो वोट करवा देते हैं जो आपके जो असेंबली हाउस में या संसद भवन में अपनी तरफ से वोट करवा के बहुमत हासिल करना ये चीज़ कहलाती है हॉर्स ट्रेडिंग लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स में देखी गई है अभी तक ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग जरूर शब्द किया लेकिन ये एक प्रकार का पॉलिटिक्स में एक प्रकार का ट्रेडिंग है वो इन्वॉल्व हुआ है और ये आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होगा पॉलिटिक्स यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोविजन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव या हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ यू एस ए मतलब नीचे कुछ प्रोविजन्स यानी कुछ जो आपके जो प्रस्ताव वगैरह प्रपोजल वगैरह दे रखे हैं कुछ आपके उपबंध दे रखे हैं प्रोविजन्स जो उपबंद है वो ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका के संविधान से कौन से उपबंद है वो हमारे भारतीय संविधान में आए हैं आपको वो पहचानना ठीक है तो ये प्रश्न हो गया आपका कि अमेरिका के संविधान से कौन से ऐसे उपबंध है जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए पहला है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का इंपीचमेंट कह सकते हैं इंपीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति को जो हटाने की एक प्रक्रिया होती है जिसको आप इंपीचमेंट कह सकते हैं दूसरा है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो उपराष्ट्रपति है उनका पद ये लिया है तीसरा है जुडिशियल रिव्यू यानी कि जिसको न्यायिक पुनरीक्षा कह सकते हैं न्यायिक पुनरीक्षा ठीक है तो अब इनमें से आपको चौथा एक और है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट संसद के दोनों सदनों की जो साझा बैठिंग जो ज्वाइंट जो बैठक होती है ठीक है ना उसको ये जो चौथा पॉइंट ये लिए इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा कौन सा जो उपबंध है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया ठीक है आप अपना ऑप्शन देखिए ऑप्शन में ये आपके ये है आपका ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड फोर ओनली वन टू एंड थ्री एंड ओनली वन एंड फोर तो आपके हिसाब से इसमें क्या रहता है जरा देखते हैं हमारे जो स्टूडेंट अपने क्या आंसर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेवन है, ठीक है सेवन क्वेश्चन में यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से कौन सा उपबंध लिया गया है राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट लिया है या उपराष्ट्रपति का पद लिया है या जो न्यायिक पुनरीक्षा ली गई यहाँ दोनों हाउसेस की जो संयुक्त बैठक को लिया गया तो किस प्रकार के ऑप्शन को उपबंध को इसमें शामिल किया गया आपका ऑप्शन ए में देखिए वन एंड टू सही है वन एंड टू का मतलब आप देख ही रहे हैं कि इंपीचमेंट और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आता है फिर देखिए टू एंड फोर टू एंड फोर में क्या आता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट और ज्वाइंट सिटिंग आ गया फिर तीसरा ऑप्शन है ओनली वन टू थ्री यानी कि तीनों तीन सही बताए एक ज्वाइंट सिटिंग को छोड़ करके ये आपका है और चौथा बता रहा है ओनली वन एंड फोर वन का मतलब जो आपका क्या है वन में आपका इंपीचमेंट है और फोर में आपका ज्वाइंट सिटिंग है तो आपके इस हिसाब से जो आंसर होता है वो फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर सेवन हाँ जी तो इसमें आपके ये तीन सही होंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीन यानी तीन चीजें हमने यूएस के संविधान से ली गई है अमेरिका के संविधान से हमने तीन चीजें ली है और तीनों में देखिए कौन कौन सा है एक इंपीचमेंट का है दूसरा जो पद है आपका वाइस प्रेसिडेंट का तीसरा आपका जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरीक्षा ये तीन जो टर्म है तीन अनुबंध हमने कहां से लिए अमेरिका के संविधान से लिए अगला प्रश्न देखिए चौथा क्या कह रहा है आठवां क्वेश्चन देखिए द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फाउंड मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मैंग्रोव के जंगल है इनका जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो कहाँ पाया जाता है मलाबार कोस्ट जो केरला में गल्फ ऑफ खम्बाथ की खाड़ी गुजरात में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या सुंदरबन वेस्ट बंगाल में तो आपको ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए कि आप मैंग्रूव जो देश के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ जिस कोस्टल एरिया में ये डेवलप होते हैं तो आपको पता है और कोस्टल एरिया में ये कैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट डेवलप होते हैं देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके मोस्टली फाउंड होते हैं एलुवियल डेल्टास ऑफ जो मैन मैन रिवर्स होती है उनके जो उपजाऊ डेल्टा में ये पाए जाते हैं वहाँ क्या करते हैं ये जो आपके जो फॉरेस्ट लगते हैं ताकि एक तो टॉयल एरोजन को रोकते हैं मतलब वहाँ कोई भी तूफान आता है फ्लड आता है या जो आपकी बाढ़ आती है तो उससे ज़मीन या उस कोस्ट का नुकसान कोस्टल एरिया का नुकसान ना हो उसमें ये फायदे जैसे जंगल है वो फायदेमंद होते हैं तो वहाँ ये काम आते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये आपका कहाँ होगा ये आपका देखिए वेस्ट बंगाल के जो सुंदरबन है यहाँ पे होगा ऑप्शन आपका कौन सा है डी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी सुंदरबंस वेस्ट बंगाल ठीक है अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट है ब्लंट बोर्ड किन पॉइंट बोल्ट आर्म गार्ड आर द टर्म्स यूज ये जो कुछ टर्म है वो किस प्रकार के खेल में इस्तेमाल होती है एक है ब्लंट है दूसरा है बोर्ड किन पॉइंट है तीसरा बोल्ट है और चौथा आपका आर्म गार्ड है तो ये आपकी इसमें यूज होती है बताइए हाँ ये जो टर्म है वो किस में यूज होती है कौन से खेल में ये टर्म्स आपकी इस्तेमाल होती है ये आपको बताना है हाँ जी मिस्टर ब्रजेश चीपा अपना आंसर कमेंट करें ये जो खेल से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स है देखिए ब्लंट ब्लंट का मतलब जैसे एकदम भोथरा होता है बॉर्ड किन पॉइंट होता है बोल्ट होता है और आर्म गार्ड ज्यादातर अगर मान मानिए दूसरी चीज़ों से नहीं समझे कोई बात नहीं जो आर्म है ना इस आर्म के लिए एक गार्ड लगता है लेकिन आर्म गार्ड जो लगता है वो किस में लगता है आपको पता है तीरंदाजी में लगता है देखो ये तीरंदाजी है ये टेबल टेनिस है ये आपका जूडो है और ये तैराकी स्विमिंग क्या होती है तैराकी होती है जो हिंदी भाषी अगर ना समझे तो आर्चरी होती है वो आप तीरंदाजी हो गई ये टेबल टेनिस है जूडो आप समझते हो और स्विमिंग यानी तैराकी यानी ये जो चार शब्द आप दिख रहे हैं ब्लंट बोर्ड किन पॉइंट मतलब तीन तो बी है थ्री बी बी और चौथा है ए पे ये पॉइंट याद रखिए ये तीरंदाजी आर्चरी है उससे संबंधित क्या टर्म होती है ये खेल है उसी से संबंधित ये स्पोर्ट्स से हमने क्वेश्चन उठाया है, और ये किससे संबंधित है इसमें आर्म गार्ड को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं आर्चरी के साथ में ठीक है अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय है जो आप कह सकते हैं एंटी करप्शन भ्रष्टाचार विरोधी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है ये दिसंबर नौ दिसंबर चौदह जनवरी दस जनवरी पंद्रह तो ये आपका कब मनाया जाता है अपना ऑप्शन फटाफट कमेंट करें हाँ जी क्वेश्चन नंबर आपका है दस जिसमें पूछा है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्त कह सकते हैं भ्रष्टाचार विरोध दिवस है भ्रष्टाचार विरोध दिवस अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस है वो कब मनाया जाता है तो दिसंबर नौ दिसंबर की दो डेट है नौ और चौदह उसके अलावा आपकी जनवरी पंद्रह है और जनवरी दस और जनवरी पंद्रह दो डेट जनवरी की है दो दिसंबर की है आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सही हो सकता है फटाफट कह रहे क्वेश्चन नंबर टेन हाँ जी दिव्या दिस आ, आ, गिविंग ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन ब्रजेश चिपा आप बता रहे हैं दस में ए ऑप्शन यानी कि ए का मतलब है दिसंबर नाइन अच्छा दिसंबर नाइन दिव्या राजपुरित ए सुमित सिंह भी ए बता रहे हैं हाँ जी तो सुमित सिंह बिल्कुल आप सभी का अंदाज सही है ये डेट आपकी 9 दिसंबर ही है जिस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये दिवस है और पूरा विश्व विश इसको एक एंटी करप्शन डे के रूप में मनाता है और यह है दिसंबर नाइन ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन राय को लेकर के है राजा राम मोहन राय देखो ब्रह्म समाज से संबंधित ये व्यक्ति है राजा राम मोहन राय ठीक है।, है तो राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज से संबंधित है क्वेश्चन क्या पूछा है वो ये पूछ रहा है कि इनका सरनेम क्या है देखो ये ब्राह्मण फैमिली से आप बंगाली बंगाल की बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं तो ये राजा राम मोहन राय आप इनको इनके सरनेम को किस रूप से जानते क्या वो चटर्जी थे या बैनर्जी थे या मुखर्जी थे या रॉय थे अपना ऑप्शन फटाफट कमेंट कीजिए हाँ ऑप्शन कमेंट करें फटाफट हाँ मिस्टर किशन लाल इज टेलिंग क्वेश्चन नंबर इलेवंथ ग्यारहवें क्वेश्चन में किशन लाल जी बता रहे अपना ऑप्शन है ए सही है ए का मतलब क्या चटर्जी चटर जी हाँ और बताइए बता फटाफट बताइए दस सेकेंड के अंदर आप अपना जो आंसर है वो कमेंट करें दिव्या इज़ टेलिंग बी बी मीन्स बैनर्जी वेरी गुड ओके ओके सो बैनर्जी इज करेक्ट आंसव बैनर्जी इज करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर क्या होगा बैनर्जी यानी कि राजा राम मोहन राय का सरनेम है वो बैनर्जी है ये बंगाली ब्राह्मण जो फैमिली से बिलोंग करते हैं अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ द सन ऑफ औरंगजेब हु सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल ऑफ बहादुर शाह देखो औरंगजेब का वो पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना और जिसने जो एक उपाधि ली है वो है बहादुर शाह की तो बहादुर शाह की उपाधि से के नाम से जाना जाता है वो औरंगजेब का उत्तराधिकारी शासक कौन था ऑप्शन आपका पहला है ए अकबर बी काम बख्श सी आपका मोहम्मद आजम और तीसरा है मुअज्जम यानी कि ऐसा कौन जो आपका शासक बना जिसने बहादुर शाह की उपाधि हासिल की थी औरंगजेब का देखिये ये कह रहा है द सन ऑफ औरंगजेब औरंगजेब का पुत्र है लेकिन अब ये आपका ऑप्शन आपके समक्ष है आप फटाफट देखिए कौन सा सही होगा अकबर काम बख्श मोहम्मद आजम या मुअज्जम फटाफट आंसर आंसर कमेंट कीजिए आपके पास सिर्फ टेन सेकंड्स का टाइम है यू हैव टेन सेकंड्स ओनली मोहम्मद आजम कृष्ण लाल इस मोहम्मद आजम दिव्या इज काम बख्श सुमित सिंह बता रहे हैं ए यानी अकबर औरंगजेब से अकबर पहले हो चुके थे तो एक अकबर तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है औरंगजेब तो काफ़ी बाद में आए अकबर तो पॉसिबल नहीं आप दूसरे ऑप्शन को टटोलिए काम बक्स मोहम्मद आजम ठीक है तो आपका जो भी ऑप्शन है मैं बता देता हूं इसमें आपका डी ऑप्शन रहेगा मुज्म कौन है मुअजम है जिसने बहादुर शाह की उपाधि हासिल की थी बहादुर शाह बहादुर शाह का जो टाइटल है वो किसने प्राप्त किया था औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था मुजम जिसने बहादुर शाह के नाम से शासन किया था बहादुर शाह टाइटल शासन किया था अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच इज द बिगेस्ट लैंडलॉकड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की ऐसी कंट्री का आपको नाम बताना है जो लैंडलॉक्ड का मतलब किसी भी दृष्टि से वो पानी का वाला पार्ट उसको टच नहीं कर पूरा चारों तरफ से जमीन से घिरा हो और सबसे बड़ा देश हो ठीक है हमारा देश लैंड लॉकड नहीं है क्योंकि हम नीचे से देखो पानी से घिरे हुए इधर अरब सागर हो गया नीचे हिंद महासागर हो गया इधर बंगाल की खाड़ी हो गया यानी कि हम यानी हमारा देश लैंड लॉकड कंट्री नहीं कहलाता है लेकिन लैंड लॉकड कंट्री वो कहलाता है जिसके चारों तरफ जमीन ही जमीन हो पानी वाला कोई भी भाग नहीं है उसको आप लैंड लॉक कह सकते हैं तो ऑप्शन देखिए मंगोलिया ऑस्ट्रिया सर्बिया और कजाकिस्तान तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जरा अपना कमेंट कीजिए आपके पास दस सेकेंड का टाइम है हाँ जी किशन लाल ऑस्ट्रिया प्रेरणा कंवर ऑप्शन डी बता रही है कजाकिस्तान ठीक है प्रेरणा कुमार कजाकिस्तान ऑप्शन डी बता रही है और बताइए विच इज़ द बिगेस्ट लॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की वो वो कौन सा देश है जो सबसे मतलब एरिया में सबसे बड़ा है और लैंड लैंडलॉक है यानी चारों तरफ जमीन ही जमीन है पानी वाला कोई पार्ट नहीं है ऐसा देश मंगोलिया है या ऑस्ट्रिया है सर्बिया है या कजाकिस्तान है और अपने को आपको आंसर इसमें अपना कमेंट करना है तो अपना आंसर कमेंट कीजिए फटाफट सुमित सिंह डी बता रहे कजाकिस्तान ठीक है सोनू कुमार जी आप अपना आंसर सी बता रहे यानी सर्बिया और दिव्या टेलिंग कजा तो आपका इसमें जो आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ दस सेकंड आपके पूरे हो गए इसमें आपका कजाकिस्तान ही सही होगा ऑप्शन डी कजास्तान कह सकते हैं कजाखिस्तान जो सोवियत रूस से यूएसएसआर से अलग हुआ था वही देश है लेकिन ये एरिया में सबसे बड़ा ऑप्शन डी सही है आपका ठीक है तो कजाखिस्तान लैंडलॉक्ट है और सबसे विश्व में सबसे बड़ा देश है वो कजाकिस्तान आपका देश है अगला प्रश्न देखिए ये क्वेश्चन नंबर देखिए ऑफ द द फॉलोइंग कंट्रीज वाज फर्स्ट टू लीगलाइज यूथेनेशिया को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है यूथनेशिया को कानूनी मान्यता किस देश ने प्रोवाइड की है फटाफट अपना आंसर देखिए ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड नीदरलैंड या कैनेडा कौन है यूथनेशिया को यूथेनेशिया को कानूनी रूप से जो मान्यता दी है वो आपको देश लीगलाइज किया है किसको यूथनेशिया को हाँ तो वो आपका देश है ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड नीदरलैंड या कनाडा कमेंट कीजिए जो भी आपका आंसर आपका आंसर रहता है आपके पास दस सेकंड का टाइम है दस सेकंड में आप कमेंट कर सकते हैं हाँ तो यूथेनेशिया अगर आप मेरी अगर आपको लगता है कि आप जो यूथेनेशिया को नहीं समझ पा रहे हैं यूथेनेशिया जो लीगलाइज किया गया यूथेनेशिया क्या है यूथेनेशिया को मैं आपको बता देता हूँ कि यूथेनेशिया का मतलब ये होता है एक मर्सी किलिंग इसमें एक दया मृत्यु दी जाती है ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो किसी न किसी ऐसी बीमारी या ऐसे जो लाइफ में इस तरह से परेशान होते हैं कि उनको एक स्वैच्छिक मृत्यु का एक अधिकार दिया जाता है उसे कहते हैं आपकी यूथेनेशिया ठीक है तो यूथेनेशिया को जो लीगलाइज करने वाला पहला है विश्व का देश है वो कौन सा है आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा यूथेनेशिया उसको कहते हैं जिसको मर्सी किलिंग यानी कि एक दया मृत्यु आपको जो देश प्रोवाइड करता है परेशान है कि वो जीना नहीं चाहता है, उसको मरना चाहता है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन अपने राष्ट्र को देगा कि आई वांट टू डाई में मरना चाहता हूं और मुझे मरने की परमिशन दी जाए तो ये मर्सी किलिंग का जो काम होता है वो यूथेनेशिया के दायरे में आता है तो ऐसा कौन सा पहला विश्व का वो देश है जिसने इसको लीगलाइज किया यानी कानूनी रूप से मान्यता दी मर्सी किलिंग को यूथिनेशिया को तो यूथोनेशिया में आपका ऑप्शन क्या सही होगा बताइए फटाफट हाँ जी तो ये आपका नीदरलैंड सही होगा ठीक है कौन सा देश है नीदरलैंड है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच among द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच आपके ये जो पेयर्स हैं, जो युगम दे रख हैं, इन युगमों से आपको पहचानना है कि कौन सा सही नहीं है इन युगम में से कौन सा युगम है वो सही नहीं है आपको पहचानना है हाँ तो प्रेरणा कुमार जी यूथनेशिया मैंने आपको समझा दिया है आ, आप अगला प्रश्न देखिए और वो है कि विच among the फॉलोइंग इनमें से कौन सा पेयर है वो सही नहीं देखो आनंद आनंद के अंदर डेयरी इंडस्ट्री है क्या पहला ऑप्शन यह कर रहा है बोकारो में स्टील प्लांट है क्या कानपुर में लेदर की यानी कि जो लेदर आपके जो जूतों बनाने की जो लेदर की इंडस्ट्री है वो आपके कानपुर में है क्या या अहमदाबाद में रिफाइनरी है सही है नहीं आपको इसमें जो सही ऑप्शन है वो जो गलत है वो चुनना देखिए कह रहा है इनकरेक्टली विच विच इज विच इज नॉट करेक्टली जो गलत कौन सा है वो आपको पहचाना है मतलब तीन इसमें सही है और एक गलत है आपका टाइम शुरू होता है अभी दस सेकेंड आप देख लीजिए फटाफट क्या आता है हाँ जी तो इसमें आपका अहमदाबाद में रिफाइनरी वाला गलत है बाकी सब सही कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है बोकारो में स्टील प्लांट है और आनंद के गुजरात के आनंद में डेयरी प्लांट है बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज जो इकोलॉजी की टर्म है वो पहली बार किसने इस्तेमाल की है टिंसले ने किए है, अस्त हैकेल ने किया डी मैर टो ने किया जींस ब्रंचेस ने किए ठीक है, है? किसने की बताइए फटाफट हाँ जी जो आपकी टर्म है क्या है इकोलॉजी इकोलॉजी की टर्म है ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल की इकोलॉजी का मतलब आप समझे पारिस्थिति की हिंदी में कहते हैं जो पारिस्थिति की जो शब्द है इकोलॉजी जो पारिस्थिति की शब्द है ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया देखो यह फॉरिनर्स ये है, सारे नाम इंडिया का तो इसमें कोई नहीं है और पहला है टीन्सले दूसरा है अस्ट हैकेल है तीसरा डी मार्टोन टोन है चौथा है आपका जीन्स ब्रंचेस है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आप अपना अगर आपको ध्यान है तो आप फटाफट कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर आपका सिक्सटीन है डी यानी जींस ब्रंचेस ये प्रेरणा कंवर डी बता रही ऑप्शन और भरत कुमार का ऑप्शन है ए किशन लाल अपना ऑप्शन डी मार्टोन बता रहे डी मार्टोन सी ऑप्शन और दिव्या ने अपना आंसर दिया है तीन ले ए लेकिन बी किसी ने नहीं दिया इसमें आपका ये बी सही रहेगा गल आपका आंसर रहेगा अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन विच एक्स एज ए हारमोन एक ऐसे प्रोटीन का उदाहरण बताइए जो हार्मोन के रूप में काम करता है ऐसा प्रोटीन बताइए जो हार्मोन के रूप में काम करता है ट्रिप्सिन है ऑक्सीटॉक्सिन है कैराटीन है या कैसीन है कौन सा जो हार आपका जो प्रोटीन है जो हार्मोन का काम करता है कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो हार्मोन का काम करता है साइंस का एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन दूसरा है आपका ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन आपको पता है कि गायों या भैंस को यह इंजेक्शन लगाया जाता है दूध ज्यादा प्राप्त करने के लिए वो ऑक्सीटॉक्सिन है ठीक है ना तो मैंने आपको हिंट दे दिया अपना जो आंसर फटाफट करिए मिस्टर सोनू कुमार हाँ बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सत्रह क्वेश्चन नंबर सत्रह में बताइए कौन सा सही रहेगा ट्रिप्सिन कैराटिन बी आपका ऑक्सीटॉक्सिन ये किसने बताया बी आपका ऑक्सीटॉक्सिन ब्रजेश वेरी गुड ब्रजेश आपका जनरल नॉलेज बाकी बेटर है इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा ऑक्सीटॉक्सिन देखिए ये वो प्रोटीन है जो हम गाय या भैंस यानी कि दूध प्राप्त अधिकतम दूध प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का प्रोटीन हम इंजेक्ट करते हैं गाय या भैंस के बॉडी में और उससे क्या वो एक हारमोन का, का काम करता है एक्ट के एक हार्मोन की तरह काम करता है और मैक्सिमम हम उसमें दूध प्राप्त कर सकते हैं तो ये बिल्कुल आपका मिस्टर चीपा का बिल्कुल सही जवाब है हाँ प्रेरणा कंवर देखिए आप, आपको भी पता होगा जब गाय या भैंस को जो आप जो इंजेक्शन लगाते हैं अधिकतम दूध प्राप्त करने के लिए या गाय आपकी दूध बिल्कुल नहीं दे रही है तो उसको क्या उसका एक हारमोन क्रिएट उसका हार्मोन सीक्रेट करने के लिए एक प्रोटीन का इंजेक्शन लगाया जाता है उस प्रोटीन का नाम ही है आपका ऑक्सीटॉक्सिन मतलब जो इंजेक्शन लगता है उसका नाम ऑक्सीटॉक्सिन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी को इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अट्ठारह नंबर क्या कह रहा है अंगोरा वूल है ये किस ब्रीड से प्राप्त की जाती है ठीक है ना? ये ब्रीड है ना वो कौन सी मतलब आपको उसमें से उस पशु को पहचाना है जिससे अंगोरा की जो नामक ऊन है वो प्राप्त की जाती है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है आंसर फटाफट कमेंट कर क्वेश्चन नंबर अठारह में अंगोरा ऊन ठीक है ना कौन सी ऊन है ये अंगोरा अंगोरा ऊन जो है वो किस पशु से प्राप्त होती है अंगोरा ऊन पहला है आपका भेड़ दूसरा आपका खरगोश या बकरी रेबिट खरगोश होता है खरगोश या बकरी फॉक्स आपकी लोमड़ी होती है और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या देखिए तिब्बत डियर यानी कि तिब्बत का हिरण ठीक है ना तो इनमें से आपको वो पहचानना है जहां से आपको अंगोरा ऊन है वो प्राप्त होती है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है फटाफट ऑप्शन में आंसर करिए क्वेश्चन नंबर एटीन में शीप शीप मिस्टर किशन लाल का शीप है आगे बताइए फटाफट शीप रैबिट यानी खरगोश या गॉट यानी बकरी फॉक्स लोमड़ी और तिब्बत का जो आपका डियर यानी हिरन ठीक है ना इनमें से ऑप्शन आपका क्या सही रहेगा फटाफट बता दीजिए फॉक्स दिव्या राजपूत फॉक्स सी ऑप्शन बता रही है फॉक्स हाँ जी तो एक बंधु ने शीप बताया एक ने फॉक्स बताया ठीक है।, है इसके अलावा देखिए तो तिब्बतन डियर है कुछ ने कुछ तिब्बतन डियर के बारे में बता रहे हैं सुमित सिंह है अपना ऑप्शन ए शीप बता रहे हैं शीप एन भेड़ से आप जो वो पश्मीना ऊन आपने सुनी होगी कश्मीर की जो पश्मीना है वो शायद भेड़ से होगी लेकिन ये अंगोरा ऊल है अंगोरा ऊन है वो आपने सुना नहीं होगा पश्मीना ऊन जो कश्मीर की पश्मीना ऊन है वो भेड़ से प्राप्त होती है कश्मीरी भेड़ से लेकिन ये आपका अंगोरा ऊन है अंगोरा ऊन जो प्राप्त होती है मैं बता देता हूँ कि रैबिट यानी खरगोश या फिर गॉट यानी बकरी खरगोश या बकरी से जो ऊन प्राप्त की जाती है वो आपकी है अंगोरा ऊन ठीक है अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए उन्नीस सौ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच यहाँ पेयर देर का है अगर आपको समझ आए तो देख लीजिए नॉट नॉटिकल एंगस्ट्रॉ और लाइट ईयर यानी इनमें से आपको पेयर देखना है कि कौन सा सही मैच नहीं है कौन सा पेयर सही मैच ये जो कुछ मेजरिंग यूनिट देर की है कोई नापने की इकाई है क्या है ये नापने की इकाई है नापने की देखिए नॉट एक नॉट भी नापने की इकाई आपको ये सब कोई दूरी जैसे देखो नॉट है ये दूरी नापने की होगी नॉटिकल भी आपकी दूरी नापने की होगी अंगस्ट्राम एरिया नापने की यूनिट है और लाइट ईयर क्या है दूरी नापने की इकाई है आप इसको समझ सकते हैं तो आप इसके ऑप्शन थोड़ा पढ़िए और देखिए कि कौन सा गलत हो सकता है आपको उसमें गलत देखना है नॉट मेजरिंग और स्पीड ऑफ शिफ्स यानी जहाजों के जहाज की जो स्पीड हम नापते हैं वो नॉटिकल माइल्स में नापते हैं बिल्कुल सही है तो ये गलत नहीं है ठीक है ना नॉटिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज नेविगेशन में आपकी नॉटिकल यूज होता है ठीक है अंगस्ट्राम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रकाश की जो वेवलेंथ है उसको आप अंगस्ट्राम में लेते हैं ये भी सही है लाइट ईयर यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष होता है लाइट ईयर का क्या मतलब होता है प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है जो 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 एस्ट्रो जो आपकी यूनिट्स होती है आपके अंतरिक्षीय पिंड होते हैं ठीक है ना तारों के बीच की दूरी किस में नापोगे आप खगोली पिंडों के बीच में जो दूरी होती है वो किस में नापते आप तो वो जो दूरी नापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है लाइट ईयर में नापी जाती है और यहां इन्होंने गलत लिखा कि ये यूनिट फॉर मेजरिंग लाइट यानी ये टाइम सॉरी इट इज यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम यानी समय को नापने की ये इकाई है ये कह रहा है आपका लाइट ईयर डी ऑप्शन इसलिए डी ऑप्शन गलत है बाकी तीनों ऑप्शन सही है यानी प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी नापने का एक इकाई है एक दूरी नापी जाती है उसके जरिए वो आपका क्या है प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश वर्ष हो गया नॉट हो गया नॉटिकल हो गया और अंगस्ट्राम अंगस्ट्राम आपको पता है वेवलेंथ जो तरंग जी हिंदी में जिसको तरंग देर प्रकाश की तरंग जी को अंगस्ट्राम में नापा जाता है ठीक है ना नॉटिकल आपको पता है नॉटिकल जो माइस होती है वो नेविगेशन आपकी जो आपकी नाव यानी कि जो से नौ आप कह सकते हैं इसको नावों की जो दूरी है उसके नाम डिस्टेंस मेजरिंग करने में काम आते है स्पीड और नॉट है उसमें स्पीड यानी गति तो जो नावों की जो शिप्स की गति तो नापी जाती है नॉट में और नॉटिकल ये आपकी डिस्टेंस होती है नेविगेशन में दूरी नापी जाती है समुद्री दूरी का आप कह सकते हैं इसको समुद्री दूरी नापी जा सकती है अगला जो प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बीस है कॉनीफेरस फॉरेस्ट है वो कहाँ मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं कॉनी फेरेस्ट फॉरेस्ट आपके कहाँ पाए जाते हैं कौनीफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं तो पहला ऑप्शन आपका है ट्रॉपिकल रीजन में दूसरा टेम्परेट रीजन में तीसरा कोस्टल रीजन में चौथा इनमें से कोई नहीं है तो ट्रॉपिकल टेम्परेट, कोस्टल याट रीजन के अंदर कौन से कॉनीफेरस कॉनीफेरस आप समझ सकते हैं जो शंखवाकार के होते हैं ऊपर से शंखवाकार यानी कि नीचे से यूं आपके चौड़े जाए नुकीले होते हैं जो आपके ऐसे जो होते हैं जो नुकीले होते हैं ऐसे वृक्ष जो जहाँ भी पाए जाते हैं उस एरिया का पूछ रहे हैं है, वो आपके कौन से रीजन में पाए जाते हैं नुकीले जो आपके जंगल है नुकीले टाइप के जंगल है नुकीले, नुकीले पेड़ों वाले जंगल है वो आपका टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है अपना ऑप्शन देखिए मई पच्चीस मई जून पंद्रह जून 11 जुलाई या 30 अगस्त विश्व पॉपुलेशन यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस का मेंशन करिए कब मनाया जाता है फटाफट बताइए 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर आपका है 21 इक्कीसवें क्वेश्चन तक आप आंसर करिए ग्यारह जुलाई ठीक है तो आपका सही आंसर क्या रहेगा ग्यारह जुलाई इज द राइट आंसर किशन लाल ने सही आंसर दिया है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर बाईस क्या कह रहा है विच स्टेट और रीजन वाज द पाइनियर इन द फील्ड ऑफ इंडियन जर्नलिज्म प्रेस यानी कि पत्रकारिता और प्रेस के क्षेत्र में कौन सा जो स्टेट है वो सब स्टेट का लीडर रह चुका है वो वेस्ट बंगाल है मध्य भारत था तमिलनाडु था या बॉम्बे प्रेजिडेंसी था तो आपका ऑप्शन क्या होगा फटाफट बताइए विच स्टेट या रीजन है वो पायनियर रहा था यानी कि पायनियर आप समझ रहे हैं ना वहाँ सबसे ज्यादा यही चीजें एक्टिविटी होती थी जर्नलिज्म और प्रेस की आप यूँ कह सकते इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जा सकती है पायनियर को आप ये समझ सकते हैं कि इसकी शुरुआत आप किस स्टेट को मानते हैं जर्नलिज्म पत्रकारिता और प्रेस यानी कि जो अखबारी का जो स्रोत है वो कौन सा स्टेट है वो आपका बंगाल माना जाता है अंग्रेजों के समय की बात पूछ रहा है बंगाल माना गया ठीक है अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाईस तेईस है स्टैफ वेल एक आपका कुआ एक बाड़ी है एक बावड़ी है और बावड़ी का नाम देखिए क्या देर का है बावड़ी का नाम है रानी की वाव बावड़ी का नाम क्या है बावड़ी का नाम है रानी का वाव और ये रानी का वाव कौन से जिसको यूनेस्को ने 214 में वर्ल्ड हेरिटेज में लिया था वो कौन से स्टेट में है गुजरात में है राजस्थान में पंजाब में है या तमिलनाडु में आप अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं फटाफट बताइए रानी का वाव जो बावड़ी है ये 2014 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया है रानी का वाव रानी का वाव ये बावड़ी है ठीक है स्टेफ वेल है ठीक है ना ये कौन से स्टेट में है जिसको यूनेस्को ने 2014 में विश्व धरोहर जो सूची में इसको डाल रखा है हाँ बताइए राजस्थान दिव्या राजस्थान किशन भी राजस्थान बता रहे हैं राजस्थान में नहीं है ये आपका गुजरात स्टेट में किस स्टेट में है गुजरात स्टेट में अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फोटोफोबिया इज कॉज बाय द डेफिशेंस देखो फोटोफोबिया एक तरह से फोबिया का मतलब होता है डर से फोबिया का मतलब किसी चीज़ से डर किसी किसी के डर को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है फोबिया अब फोटो को लेकर के अगर हम मान लिया कि हम डरते हैं फोटो को लेकर पिक्स को लेकर के डर जाए तो उसे फोटोफोबिया कहेंगे अब ये कहता है कि फोटोफोबिया हमारे शरीर के अंदर कौन से विटामिन की कमी की वजह से हो जाता है फोटोफोबिया फ़ोटोफोबिया बताइए हाँ जी फोटोफोबिया आप कहाँ मानते हैं हाँ जी प्रेरणा कंवर कह रही है कि राजस्थान के बूंदी में रानी कबाव रानी कबाव बूंदी में बता रही है भाई प्रेरणा कंवर जी अपने आंसर को थोड़ा कन्फर्म कर लिया जाए हाँ दिव्या राजपुर इस क्वेश्चन को बता रही है विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स देखो विटामिन बी वन पहला ऑप्शन है दूसरा बी टू है बी फोर है बी सिक्स है मतलब आपको यह कहना कि फोटोफोबिया हमारे शरीर में कौन से विटामिन की कमी से होता है अपने आंसर को आंसर को कमेंट करिए फटाफट हाँ जी प्रेरणा जी अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट कमेंट करिए इसको ये आपका विटामिन बी टू होगा आंसर ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको आप कह सकते हैं यूपीएससी क्या कहेंगे यूपीएससी यूपीएससी को लेकर के क्वेश्चन है कि यूपीएससी कौन से अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई क्या वो अनुच्छेद 315 है 320 है 325 है या 335 है कौन से अनुच्छेद के तहत यूपीएससी की स्थापना की गई है फटाफट अपना आंसर मैंशन कीजिए हाँ जी यूपीएससी यूपीएससी भारत के किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत जो यूपीएससी की स्थापना की जिसको संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग एक तो होता है राज्य लोक सेवा आयोग एक आपका संघ संघ लोक लोक सेवा सेवा आयोग आयोग होता है तो इसकी स्थापना है वो किस आर्टिकल के तहत की गई ये आपको प्रश्न पूछा जा रहा है आर्टिकल 315 है 320 है 325 है 335 है, आर्टिकल का मतलब आप अनुच्छेद कह सकते हैं 315 320 325 और 335 अपना आंसर फटाफट कमेंट कीजिए हाँ प्रेरणा कंवर आप बता रही है बी अच्छा पिछला पिछला क्वेश्चन आपने दिया अगला प्रश्न ये फटाफट मेंशन कर दीजिए आंसर आर्टिकल थ्री टू फाइव आर्टिकल थ्री वन फाइव नहीं आर्टिकल इसमें आपका कौन सा सही होगा तीन सौ पंद्रह होगा तीन सौ पंद्रह आपका जिसने भी लिखा है वो उसका आंसर सही है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हु इज द फर्स्ट वुमन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है भाई विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ऑप्शन देखिए आप विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है के कोटी स्वेतलाना लाना मारिया एस्तेला पैरोन और वेलेंटीना तेरेस अब आपने नाम सुना होगा आप इनमें जो मैंने नाम बता दिए के कोटी स्वेतलाना लाना काया मारिया एस्तेला पैरोन या वैलेंटीना तेरेस ठीक है अपना आंसर फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री ठीक है ना वूमन कॉस्मोनॉट है वर्ल्ड की है वो कौन है वो आपको ऑप्शन में सही करना है हाँ जी तो जिस किशन लाल ने जो एक ऑप्शन अभी जो रानी का भाव है जो गुजरात में था उसको कंफर्म किया है किशन लाल ने कि जो बूंदी राजस्थान के अंदर जो बावड़ी है उसका नाम रानी जी की बावड़ी है और ये जो गुजरात के अंदर जो रानी का बाव है रानी का बाव जिसको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने 2014 में शामिल किया तो रानी का बाव अलग है और बूंदी की रानी जी की बावड़ी अलग है इसलिए प्रेरणा जी अपने आंसर को कन्फर्म कर लें ताकि आगे कहीं आप गलत ना करें दिव्या राजपूत केकटी बता रही भाई पहला ऑप्शन दिव्या राजपूत का फर्स्ट ऑप्शन है और वो के कोटि है ठीक है हाँ आगे बताइए दूसरे ऑप्शन बताइए फटाफट के कोटी आपका एक बंधु एक के कोटी बता रहा है श्वेतलाना बता रहा है कोई मारिया बता रहा है कोई वैलेंटीना बता रहा है तो आपका ऑप्शन जो मेरे हिसाब से इसमें आपका ये सही होगा डी कौन सा होगा वैलेंटीना टेरेस अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवंथ क्या देखिए विच अमोंग द फॉलोइंग पेस इज नॉट करेक्ट मतलब करेक्टली मैच नहीं है एक तरफ कंट्री देर का एक तरफ राजधानी एक तरफ देश है एक तरफ राजधानी आपको सही देखना है कि आपका सही जो नहीं है वो बताए साइप्रस की राजधानी क्या निकोशिया है साइप्रस की राजधानी निकोशिया है क्यूबा की राजधानी हवाना है क्या जॉर्डन की राजधानी नेरोबी है या लाओस की राजधानी वियतना वियत वियत तियन है ठीक है ना तो कौन सी जो कैपिटल है वो गलत है वो आपको पहचाना किस देश की कौन सी कैपिटल गलत है साइप्रस की निकोशिया देखिए फटाफट देखिए क्यूबा की हवाना जॉर्डन की नेरोबी और लाहौस की वियन ठीक है ना किस राजधानी गलत है आपको ऑप्शन में देखना है किसकी कैपिटल ग्रह है देखो प्रेरणा कंवर हाँ प्रेरणा कंवर जी आप अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए कोई बात नहीं जरूर जहां भी कंफ्यूजन होता है जरूर आप यही तो हमारे अध्ययन का यही तो एक समय होता है कि हम लोगों को अपने आंसर को इसी समय कंफ्यूजन दूर करना है इसे तैयारी कहते हैं ठीक है ना इसलिए कभी दिल पे कोई चीज़ ना लेनी चाहिए कोई भी आपका सहपाठी आपका कन्फ्यूजन दूर करता है या आप अपने सहपाठी का कन्फ्यूजन दूर करते हैं ये लोग आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ताकि रियल एग्जाम में आप कन्फ्यूज ना हो अभी आप 20 बार कंफ्यूज हो जाइए कोई आपका माइंड नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोग सभी तैयारी करते हैं हंड्रेड परसेंट परफेक्ट अपने आप में कोई नहीं होता ठीक है नहीं लेकिन गलतियों से ही हम सीखते हैं तो आप इसको दिल पे ना लें आप इसको जरूर करें अगला प्रश्न देखिए और इसको सत्ताईसवें क्वेश्चन पे अपना आंसर फटाफट देखिए कि ए बी सी डी ई जो आपके जो चार ऑप्शन दे रखे हैं जो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है साइप्रस की राजधानी निकोसिया सही है क्यूबा की राजधानी हवाना सही है लाओस की राजधानी सही है लेकिन नेहरू की राजधानी कीनिया की है जबकि इन्होंने जॉर्डन लिखा है इसलिए गलत है ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्या कह रहा है देखो ट्वेंटी एट है हु इज द हीरो ऑफ होमस इलियड अ ग्रेट ग्रीक एपिक है एक जो ग्रीक भाषा है और ग्रीक भाषा के अंदर एक बहुत ही अच्छा जो महा पूरा आप कह सकते हैं महाकाव्य लिखा गया है और उसका नाम है होमस इलियड क्या नाम है होमस इलियड और होमस जो इलियड है ये जो ग्रह जो ग्रीक भाषा का एपिक है इसमें प्रश्न क्या पूछा वो देखिए प्रश्न पूछा है हु इज द हीरो इस होमस इलियड का हीरो कौन है होमर ने जो इलियड नामक जो आपका जो आ, महा आ, जो काव्य लिखा है महाग्रंथ लिखा है एपिक है ये महाग्रंथ कह सकते हैं महाग्रंथ जिसका नाम है इलियड क्या नाम है इलियड और इलियड का हीरो कौन है हर्क्यूलस है एनिस है एचिलस है या फिर एक चौथा ऑप्शन है आपका है एटलस है यानी कि हीरो कौन है इलियड का होमर द्वारा लिखी गई जो महाकाव्य जो है इलियड और इलियड के अंदर हीरो किसको माना है हीरो, हीरो कौन है हर्क्यूलस है एनियस है एचिलस है या एटलस है वो कौन है जिसको हीरो माना है तो वो आपका ऑप्शन है एचिलस ठीक है कौन सा है एचिलस यानी कि सी ऑप्शन है एचिलस ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन्थ पावर ऑफ द प्रेजिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज जैसे कि राष्ट्रपति किसी को जो माफ करते हैं पार्डन देते हैं तो वो जो पार्डन देने की जो पावर है वो पावर इनको कहां से मिलती है लेजिस्लेटिव पावर है क्या क्या वो जुडिशियल पावर है क्या वो एग्जीक्यूटिव पावर है या इनमें से कोई भी पावर नहीं है कौन सी पावर है जो राष्ट्रपति को दी गई है किसी को क्षमा याचना देने का किसी की जो डेथ सेंटेंस को भी वो माफ कर सकते हैं ठीक है नहीं किसी की जो ज्यादा बड़ी सेंटेंस है उसको कम कर सकते हैं ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को किस से मिला है लेजिस्लेटिव पावर यानी कि जो आपकी जो विधायी शक्ति है क्या वो जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्ति है एग्जीक्यूटिव पावर क्या वो कार्यकारी शक्ति है मतलब कौन सी शक्ति देखो तीन प्रकार की शक्ति दिया चौथे ऑप्शन क्या कि इनमें से कोई नहीं है तो अपनी जो ऑप्शन है वो आप फटाफट देखिए कि राष्ट्रपति को किस शक्ति के तहत यह अधिकार दिया है कि वो किसी की सजा को माफ कर सकते हैं तो आपकी विदाई शक्ति न्यायिक शक्ति कार्यकारी शक्ति या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन फटाफट पड़ मेंशन करिए अपना। हां दिव्या राजपुर टेलिंग जुडिशियल पावर किशन लाल इज इस राज टेलिंग जुडिशियल पावर तो जुडिशियल पावर जुडिशियल पावर, पावर बता रहे फटाफट आप बताइए अपना ऑप्शन देते हाँ जी हाँ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका हाँ जी ये आपका जुडिशियल पावर वाला जिसने भी आंसर लिखा है वो सही है ये आपकी एक न्यायिक शक्ति क्योंकि ये न्याय से जुड़ा हुआ मामला है सजा माफ़ करना या सजा देना ये किससे ये जुडिशरी जुडिशरी से जुड़ा हुआ है इसीलिए आप इसको सिर्फ जुडिशियल पावर तक ही सीमित रखें क्योंकि विदाई शक्ति जो आपकी संसद से निकलती है आपकी कार्यकारी शक्ति है वो है जो ब्यूरोक्रेसी में होती है तो ये जो शक्तियों को आप अलग अलग डाल दीजिए भाई कार्यकारी शक्ति किस में होती है ब्यूरोक्रेसी में होती है विदाई शक्ति भारतीय भारतीय संसद में होती है और न्यायिक शक्ति भारतीय जो आपका जो कोर्ट है न्यायालय है वहाँ उसको दी गई है तो ये जो कोर्ट का ही तो होता है कि उसको किसको सजा दे किस को सजा कम दे और वही शक्ति अगर राष्ट्रपति को दी गई तो वो किस में आएगी वो आपका जुडिशियल पावर में आएगी अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी तीसरा क्वेश्चन है थर्टी तक राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन भारत के अंदर वोट देना और चुन, चुनाव जीतने का जो हमारा अधिकार है वो अधिकार कहाँ से आया है क्या वो भारतीय संविधान का अधिकार है या हमारा जो मूलभूत अधिकार है लीगल राइट अंडर एन एक्ट एक एक्ट के तहत एक विधायी अधिकार है या इनमें से कोई नहीं है कौन सा अधिकार है हमारा एक तो राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्ट यानी कि वोट देने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है क्या वो फंडामेंटल राइट right है क्या वो लीगल राइट right है या इनमें से कोई नहीं है कौन सा अधिकार है आपका संवैधानिक अधिकार है संवैधानिक अधिकार नहीं आपका जो वैधाई अधिकार है कानूनी अधिकार है या फिर आपका जो मूलभूत या मौलिक अधिकार है तो मूल मौलिक अधिकार में तो आपको पता यह है नहीं ठीक है ना इसीलिए फटाफट अपना ऑप्शन देखिए क्या होता है मैं एक हिंट दे देता हूं कि यह कौन सा अधिकार रहेगा क्या वो संवैधानिक अधिकार है मौलिक अधिकार है या एक कानूनी अधिकार या इनमें से कोई नहीं है फटाफट आंसर मेंशन करिए हाँ जितेंद्र मीणा जी आपका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी में अपना आंसर मेंशन कीजिए राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड मतलब वोट देना मत देना मत देने का और चुनाव जीतने का जो हमारा अधिकार है यह अधिकार हमें कहां दिया हुआ है कहां दिया है तो यह आपका अधिकार भारतीय संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है कैसा राइट right है हमारा यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है ठीक है ना संवैधानिक अधिकार है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर इकतीस चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा कि बच्चा व्यक्ति का पिता कहलाता है जॉन मिल्टन ने कहा विलियम वर्सवर्थ ने कहा लॉर्ड बैरो ने कहा या जॉन कीट्स ने कहा किसने कहा बताइए ऑप्शन देख लीजिए फटाफट किसने कहा कि चाइल्ड है वो अपने मतलब मैन यानी आदमी का बच्चा है वो फादर कहलाता है फादर होता है पिता होता है ये किसने कहा बताइए फटाफट हाँ जी आंसर फटाफट कमेंट करें किसने कहा ऐसा तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको आपको दस सेकंड का टाइम मिल चुका है अपना ऑप्शन फटाफट मेंशन करिए जॉन मिल्टन विलियम वर्सवर्थ लॉर्ड बैरन और जॉन कीट्स तो आपका इसमें विलियम वर, रहेगा ठीक है विलियम अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर द अर्लियस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्ध भगवान जो बुद्ध है उसके जन्मों की जो कथाएं वो किस में संकलित की गई है ये आपको बताना है तो वो आप विनय पीटक है सुत पीटक है अभिधम पीटक है या जातक है भगवान बुद्ध के जो कई जन्मों की जो कथाएं हैं वो किस प्रकार के एपिक में है किस प्रकार की ग्रंथ में किस प्रकार की पुस्तक में है और ऑप्शन आपका पहला है विनय पीटक दूसरा सुत पीटक तीसरा अभिधम पीटक और चौथा है जातक तो आप इसको अपना ऑप्शन में सही करिए कि भगवान बुद्ध की जो जीवन कथा है वो किस में है ठीक है ना द अर्लियस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स विद द स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्ध भगवान ने जो जितने भी जो बर्थ लिए जितने जो जन्म लिए उनकी जन्म से संबंधित सारी जो कथाएं जो स्टोरीज है जो, है, जो कहानियाँ हैं वो किस प्रकार की पुस्तक में मेंशन की हुई है चार ऑप्शन दे रखे तो मैं बता देता हूँ इसमें आपने अगर अपना आंसर मैंशन कर दिया आपका 10 सेकेंड का टाइम हो गया ये जातक कथाओं में जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जीवन की जन्म की जन्म की कथा है जीवन नहीं है आप इसको कह सकते हैं कि बर्थ की भगवान बुद्ध भगवान जो बुद्ध है उनके अलग अलग जो वेरियस जो जन्म लिए उन्होंने उन जन्म से संबंधित जो कथा है जो स्टोरी है जो कहानियां मिलेगी आपको वो जातक कथाओं में मिलेगी तो जातक कथाओं में क्या मिलेगा भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी मिलेगी अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी थ्री वॉट इज द मैन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पर्ल एक पर्ल जिसको आप मोती कह सकते हैं तो मोती किससे मिलके, किस मिलके बनता है ये आपको बताना है मोती किससे मिलके बनता है बताइए भाई कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट पहला ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट देखिए पर्ल आप समझ रहे ना पर्ल का मतलब होता है मोती और मोती है वो किससे बना होता है पर्ल जिसको आप कहोगे मोती और मोती किन से मिल के बनता है? बनता किससे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी सी ओ सी ओ थ्री मैग्नीशियम कार्बोनेट एम जी सी ओ थ्री हो गया दूसरा है कैल्शियम सल्फेट सी एस ओ फोर ऑनली यह कहता है सी एस ओ फोर ऑनली तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सी ए ओ एंड कैल्शियम सल्फेट यानी सी ए एस ओ फोर हो गया चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड सी ए सी ए थ्री ओ ओनली तो आप अपना ऑप्शन है वो फटाफट करिए ये तो साइंस का अच्छा क्वेश्चन है सभी को आना चाहिए भाई भाई बताइए जितेंद्र मिस्टर जितेंद्र मीणा जी बताए दिव्या राजपुरित बताए लाल बताए दिव्या राजपुरोहित आपका ऑप्शन क्या है हाँ बताए फटाफट बताइए इसमें आपको दस सेकंड का टाइम मिलेगा इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ऑप्शन को कमेंट करें आप फटाफट हाँ जी थर्टी टू क्वेश्चन हो गए अब सिर्फ आठ क्वेश्चन ही बताए ओनली एट क्वेश्चन रिमेन इसीलिए हिम्मत रखिए और इसको फटाफट कर लीजिए ठीक है हाँ तो मैं बता देता हूं इसमें आपका डी ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन जो कहता है कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट इसका कॉन्स्टिट्यूट है जो मोती होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है किससे बनता है चूना पत्थर कहता है इसको कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहेंगे हिंदी में इसको चूना पत्थर कहते हैं और चूना पत्थर से आपका मोती बनता है कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट इससे क्या बनता है मोती बनता है चूना पत्थर से अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्टी फोर्थ देखिए विच अमोंग द फॉलोइंग pairs इज नॉट करेक्टली मैच इसमें आपको एसिड दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ आपके एसिड के सोर्स दे रखे हैं मतलब किस इसमें कौन सा एसिड है आपको पहचानना है और जो गलत है वो आपको सही करना है मतलब उसको आपको ऑप्शनबिक करना है लेक्ट, क्या लेमन यानी नींबू में क्या लैक्टिक एसिड होता है क्या टार्ट्रिक एसिड टैमरिन में होता है क्या टोमेटो या टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है या आपके ऑरेंज संतरा में साइटिक एसिड होता है तो देखिए आप अपना ऑप्शन फटाफट समझ लीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत साइंस का आपने स्टडी किया है तो लैक्टिक एसिड आपको पता है किस में होता है दूध में होता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड किस में बता रहे हैं लेमन यानी नींबू में जबकि नींबू में नींबू में आपका साइट्रिक एसिड होता है तो ये यही आपको जवाब मिल गया है, ठीक है ना बाकी सही है टार्ट्रिक एसिड टाइमरी में होता है टोमेटो में ऑक्सलिक एसिड होता है साइट्रिक एसिड आपका ऑरेंज ठीक है ना तो ये इनकरेक्टली सिर्फ आपका यही एक मेंशन हो गया अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी क्या है द लेंथ ऑफ द वर्ड इन कंप्यूटर्स ज मेजर्ड बाई वर्ड नहीं है ये वर्ड है ठीक है ना ये क्या है वर्ड है लेंथ ऑफ वर्ड जो कोई भी शब्द है उस शब्द की ये शब्द मान ली इसकी जो लंबाई है ये किस में मेजर करोगे बिट्स में करोगे बाइट्स में करोगे मिलीमीटर में करोगे या मीटर में करोगे फटाफट ऑप्शन आपका क्या रहेगा बताए आपका 10 सेकेंड अब शुरू होता है हाँ जी कंप्यूटर की भाषा के अंदर जो वर्ड की आपकी जो लंबाई है वो किसमें मेजर करोगे आप वो आप बिट्स में मेजर करोगे अगला प्रश्न देखिए विच वन ऑफ द फॉलोमिंग इज नॉट एन इनसे कौन सा एक कीड़ा नहीं है इसमें आप देखो बैड बग का है हाउस फ्लाई का है स्पाइडर का है और मॉस्क्यूटो का है ठीक है ना तो कौन सा है वो एक आपका कीड़ा नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंसेक्ट कौन सा एक कीड़ा नहीं है आपको कीड़ा पहचानना है ठीक है ना तो स्पाइडर जैसे कि आप देखते हैं स्पाइडर एक मकड़ी होती है वो आपका एक कीड़ा नहीं होता है बाकी सारे सही है स्पाइडर क्या है मकड़ी है बाकी बैड बग हो गया हाउस फ्लाई होगी इसको भी कीड़ा मान सकते हैं मॉस्कीटो तो कीड़ा होता ही मच्छर है मॉस्कीटो मच्छर हो गया जो आपकी हाउस फ्लाई है तो ये भी आपका क्या है कीड़े में आता है बैड बग लेकिन स्पाइडर जो मकड़ी है वो आपका कीड़ा में नहीं आती है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी द सी सराउंडेड बाय इटली है सिसली है सरडीनिया है और कोर्सिका है इससे गिरा हुआ वो आपका जो समुद्र है वो समुद्र कौन सा होगा समुद्र देखिए, एड्रियाटिक सी है एजियन सी है लिंगुरियन सी है या टेर हीनियन सी है ठीक है ना कौन सा समुद्र है वो सही होगा तो ये आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए कौन सा सी है? देखो एड्रियाटिक सी एजियन सी या लिगुरियन सी या फिर टाई हेरियन सी ठीक है ना तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा सी है जिसको जो इटली जो आपका सिसली है है या कोर्सिका है ये चारों इसी सी से घिरे हुए है ये आपका इससे आपका सागर है एक छोटा सा उससे ये उसके उसको सराउंड करता है उसके चारों तरफ ये स्थित है सैतीसवें क्वेश्चन बाद द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक वैसी भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा बना ये तो आपको सभी को आता होगा कि भाषाई राज आधार पे कौन सा राज्य है वो सबसे पहले बना भाषा के आधार पे गुजरात बना वेस्ट बंगाल बना आंध्र प्रदेश बना या पंजाब पहला कौन सा बना भाषा के आधार पे पहला कौन सा स्टेट है जो आपका बना है भाषा के आधार पे द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक भाषा भाषाई आधार पे पहला राज्य कौन सा बना गुजरात वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश या फिर आपका पंजाब तो ये आपका याद रखिए आंध्र प्रदेश वो पहला स्टेट है जो भाषा आधार पे पहला स्टेट बना भाषा आधार पे अगला प्रश्न देखिए थर्टी नाइन्थ लास्ट बट वन टुडे हमने सिर्फ फोर्टी क्वेश्चंस लिए उनतालीसवा है और चालीस क्वेश्चन आपके समाप्त हो रहे फटाफट और आपका हमने जी के काफ़ी टटोल किया और आपको वाकई काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी काफ़ी लोगों ने अच्छे हमारे जो आज के क्वेश्चन के काफी अच्छे जवाब दिए ओरिजिनल नेम क्या था महाभारत का मूल नाम महाभारत का क्या था ये अब आपका प्रश्न है उनतालीसवा तो यह कथा सरित सागर जय संहिता राज तरंगिणी या भारत कथा कौन सा जो नाम है वो महाभारत जो आपका एपिक है जो महाग्रंथ है इसका जो मूल नाम है यही कह रहा है ओरिजिनल नेम क्या है ठीक है ना तो महाभारत का ओरिजिनल नेम क्या है ओरिजिनल नेम जिसको आप कह सकते हैं कि मूल नाम क्या है भाई महाभारत का मूल नाम क्या है बताइए ऑप्शन में फटाफट लिखिए महाभारत का मूल नाम क्या है पहला ऑप्शन है कथा सरित सागर दूसरा जय संहिता है तीसरा राजतारंग चौथा है भारत कथा तो कौन सा है जो महाभारत का मूल नाम है तो याद रखिए वो कौन सा होएगा जय संहिता क्या नाम है महाभारत का मूल नाम जय संहिता राज का लास्ट और अंतिम सवाल ठीक है ना काफ़ी हिम्मत की आप लोगों ने अच्छी बात है हु हैज द हु हैज हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लीग यानी जो आई एल है इंडिपेंडेंट लीग है उसके संस्थापक कौन थे ये इतिहास यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आई एल इंडिपेंडेंट लीग कह सकते हैं जिसको स्वतंत्र लीग जो आपका इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू थे बाल गंगाधर तिलक थे महात्मा गांधी थे या रास बिहारी बोस थे कौन अपना ऑप्शन फटाफट कमेंट कीजिए आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं हाँ जी आपका दस सेकेंड टाइम हो गया और आपका इसमें आंसर रहेगा रास बिहारी बोस डी ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन आपका सही रहेगा ठीक है रास बिहारी बोस रहेगा हाँ जी अब आगे देखिए हाँ जी तो आ, कुछ इम्पोर्टेंट इस आ, आपने देखा होगा हमने जो चालीस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन एयर एक छोटा क्वेश्चन है हालांकि ये पंद्रह से बीस मिनट से ज्यादा का नहीं था लेकिन थोड़ा एक्सप्लानिशन करने में या आपका जो रिस्पॉन्स लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है इस वजह से ये आपका चालीस का चालीस मिनट लग सकता है पैंतालीस मिनट कोई दिक्कत नहीं हम लोग तैयारी करने के लेवल में है इसलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हमने इसमें देखा था आप लोगों को मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में कुछ बताना ज़रूरी है कि, कि किस प्रकार के जंगल होते हैं और कैसे ये जंगल बनते हैं किस तरह ये फायदेमंद होते हैं फायदेमंद रहते हैं मैंग्रोव जंगल इनको बोलेते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट ठीक है ना तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को आप देख सकते हैं देखिए हाँ तो मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मोस्टली फाउंड कहाँ होते हैं एलुवियल डेल्टाज में पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं एलुवियल टाइप के जो डेल्टाज होते हैं वहाँ आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट और डेल्टा किसके गंगा नदी का डेल्टा हो गया गोदावरी या कृष्णा नदी का डेल्टा हो गया या कावेरी नदी यानी ये प्रमुख जो नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती है कृष्णा गोदावरी कावेरी या फिर आपका गंगा नदी तो इनके जो एलुवियल जो आपके उपजाऊ डेल्टा होते हैं उन डेल्टाओं में आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट वे ये इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पाए जाते हैं इसलिए इनके जो स्टेट्स की लिस्ट में आप देख सकते हैं तो ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे हैं वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल आपको पता है कि सुंदरवन का जो डेल्टा है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है सुंदरवन और वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं तो सुंदरवन रिजर्व आपके जो फॉरेस्ट है जो लोकेटेड का है साउथ वेस्ट ऑफ बांग्लादेश बिटवीन एक रिवर है आपकी बालेश्वर जो ईस्ट में है बांग्लादेश के और हरिन बंगा जो नदी है वो आपका बांग्लादेश के वेस्ट में है एडजोइनिंग टू द बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है ठीक है ना मतलब बांग्लादेश का एक पार्ट आप कह सकते हैं जो मैन सबसे ज्यादा अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर आप कहीं पा रहे हैं तो वो फॉरेस्ट आप कहाँ पाए जाते हैं बांग्लादेश लेके लीजिए आपका मान लिया बांग्लादेश का मैंने एक नक्शा बना दिया और इसके अंदर इसने कह दिया कि ईस्ट बांग्लादेश के ईस्ट में एक नदी बहती है बालेश्वर यानी ये वाला बांग्लादेश का ईस्ट पार्ट है और इधर कौन सी नदी है बालेश्वर नदी है फिर इसने कह दिया कि वेस्ट में एक हरी हरिन बंगा वेस्ट यानी इधर वेस्ट में एक हरिन बंगा ये जो नदी है ये नदी यहां मिलती है और इस तरह जो सुंदरबन के जो डेल्टा बनते हैं ये डेल्टा आपका मैंग्रुव फॉरेस्ट से घिरा हुआ डेल्टा है ठीक है कौन से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है मैंग्रूव फॉरेस्ट से इसके बाद आगे जैसे आप ये जंगल मैंग्रूव फॉरेस्ट आप पिक्स देख सकते हैं ये मैंग्रूव फॉरेस्ट इस तरह ये पूरा जो पानी है ये पूरा जो कोस्टल एरिया है और ये मैंग्रूव फॉरेस्ट इस तरह अगर मान लिया कितना भी बड़े से बड़ा तूफान आएगा तो भी वहाँ उस कोस्टल जो भाग है जो आपका जो तटीय जो क्षेत्र बनता है उसको नुकसान से ये काफ़ी बचा लेता है तटीय नुकसान काफ़ी कम हद तक ये कम कर सकता है क्योंकि ये देखो कितना घना है और ये इस तरह जो आपका जंगल बन जाता है मैंग्रोव और इस मैंग्रोव जंगल की वजह से सॉइल एरोजन है वो नहीं होता है यानी कि जो भूमि का जो कटाव है तटीय भूमि का कटाव है वो नहीं होने देता तूफान या बाढ़ दोनों की स्थिति में भी ये जमीन का वहाँ बचाव कर लेता है मैंग्रोव फॉरेस्ट इसी से रिलेटेड है देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट में यह कहा कि देर आर फिफ्टीन मिलियन हैक्टेयर यानी लगभग साठ स्क्वायर माइल्स आपका क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है वार्म वाटर्स और ट्रॉपिकल ऑशन ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में ये कहाँ होता है जहाँ वार्म आपका जो गर्म पानी होता है वार्म वाटर होता है ये वहाँ पनपते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पनपते हैं वर्ल्ड के उस भाग में जो ट्रॉपिकल ओशंस कह सकते हैं ट्रॉपिकल यानी जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है उस प्रकार के ओशन में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एलोंग द एटलांटिक कोस्ट दे आर फाउंड फ्रॉम फ्लोरिडा ऑल द वे डाउन अर्जेंटीना मैंग्रूवस ग्रो ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के दोनों जो कोस्ट है जो तटीय क्षेत्र है अफ्रीका का पश्चिम वाला भाग और पूर्वी दोनों प्रकार के कोस्ट पे आपको मैंग्रूव वहाँ भी आपको मैंग्रूव पाया जाएगा वहाँ भी मैंग्रूव मिलता है इसके अलावा एटलांटिक जो कोस्ट है एटलांटिक का कोस्ट वहाँ भी मैंग्रूव है ठीक है इसके अलावा देखिए शोर लाइन प्रोटेक्शन मैंग्रूव क्या करता है शोर लाइन को मैंने वही तो कहा कि तटीय भाग को ये प्रोटेक्ट करता है उसको बचाता है मैंग्रूव का काम क्या है तटीय भाग को बचाना किससे बचाएगा ये तूफान स्टॉम से बचाता है हेरिकेन से बचाता हैरिकेन जो तेज विंड्स होती है आपकी विंड्स जो वेव्स होती है फ्लड यानी बाढ़ से यह बचाता है और सॉइल एरोजन को रोकता है स्टेबलाइज सेडिमेंट्स टैंग रूट सिस्टम जो जड़ें उसके अंदर डाल देता है और इस तरह जो जंगल पनपता है ये काफ़ी हद तक जो आपका कारगर रहता है आगे देखिए एक अंगोरा वूल जो अभी हमने आपके क्वेश्चन में देखा था अंगोरा वूल अंगोरा हेयर या अंगोरा जो फाइबर है वो आपका एक कोट आप एक डाउनी आपका कोट है ये बनाया जाता है अंगोरा रेबिट से अंगोरा रेबिट का नाम है और उस रेबिट से ये आपकी उसके हेयर या उसकी जो ऊन है उससे एक प्रकार का कोट बनता है ठीक है तो नेम्स ऑफ द सोर्स सो आर सिमिलर अंगोरा फाइबर इज द डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोहेर विच कम्स फ्रॉम द अंगोरा गौठ अब देखो मोहर जो बनता है मोहर एक अंगोरा गौठ से यानी अंगोरा नामक एक बकरी है और उस बकरी से ये आपकी जो ऊन है वो बनती है उसको मोहर नाम दिया गया ठीक है इसके अलावा देखिए कश्मीरी आप देखो कश्मीरी जो गौठ है उससे क्या होता है उससे आप प्राप्त करते हैं कश्मीरी आपका आ, ये देखिए हाँ तो कश्मीरी जो आपका गौठ है उसे आप देखिए पश्मीना नामक ऊन है वो आप उससे प्राप्त करते हैं जो आपकी जो शीप है कश्मीरी भेड़ से ये आपका जो इसका नक्शा आप जो पिक्स देख रहे हैं ये पिक्स है जो आपका जो कॉनीफेरेस्ट जो फॉरेस्ट होते हैं जो नुकीले जो पेड़ वाले जंगल है ये देख सकते हैं सारे नुकीले यानी कि आप कॉनिकल शेप में जो शंखुआार शेप में ऊपर जाते जाते एकदम पतले हो जाते हैं नुकीले हो जाते हैं नीचे इनकी चौड़ाई बढ़ती रहती है इसको कहते हैं कॉनीफेरेस्ट फॉरेस्ट और ये कॉनीफेरेस्ट फॉरेस्ट का एक पिक्चर है कॉनीफेरेस्ट जो फॉरेस्ट के बारे में देखिए ये देखो ये लिखा है कॉनीफेरस फॉरेस्ट ठीक है ना कॉनिकल शेप होता है कॉनिकल मतलब आपने जो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा जो कॉन्स किस तरह बनते हैं राइट सर्कुलर कॉन किसान कॉनिकल जो आपका जो आपने जैसे कि की कीमा होता है ना कीमा जैसे कीमे का शेप कैसा तेल लेने का कीमा जो एक तरफ से ये पूरा नुकीला होता है वो पूरे उस जा, नीचे जाके उसका पूरा बहस चौड़ा होता जाता है लाइक like दैट इनका भी क्या है ऊपर जो पेड़ है ऊपर जाते हुए नुकीले होते जाते हैं नीचे से इनका बहस काफी चौड़ा होता है तो ये आपके कॉनीफेरस फॉरेस्ट होता है तो दिस फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट टेरिटरीज बायोम्स से फाउंड आपका कहाँ होता है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप नॉर्थ अमेरिका और एशिया मतलब उत्तरी भाग में कौन कौन से महाद्वीप इसमें देखिए आपका नॉर्थ अमेरिका ले लिया एशिया ले लिया और यूरोप मतलब तीन प्रकार के महाद्वीप इसमें शामिल कर दिए उत्तरी अमेरिका एशिया और यूरोप के उत्तरी भाग में ठीक है ना वहां ये पाया जाता है आपका कौन द यूरेशियंस रीजन आर ऑल्सो नोन एज द टैगा या बोरियल इसके दो नाम हैं मतलब जो कॉनी फेरेस्ट फॉरेस्ट को आप टैगा के नाम से भी पुकार सकते हैं और बोरियल के नाम से भी पुकार सकते हैं ये देखिए टैगल और दूसरा आपका बोरियल है ठीक है टैगल और बोरियल है इसके नाम से भी आप कह सकते हैं और टेम्परेट जो फॉरेस्ट कहलाते ये कह सकते कॉनी फेरेस्ट जो फॉरेस्ट होते हैं ना ये टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट कह सकते हैं और ये आपके न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं कौन से आपके टेम्परेट uh, जो फॉरेस्ट है ये आपके न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं द ट्रीज मेकिंग ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर कॉन बेरिंग बिल्कुल वो जो साइज मैंने बता दिया इसमें जो ट्री कौन कौन से आते हैं स्प्रूस का आ गया पाइन की आ गया फर आ गया ये वो हैमलॉक है यानी ये उन पेड़ों के नाम है उनकी प्रजातियों के नाम है कि कौन से ऐसे पेड़ है जो आप कह सकते हैं कि नुकीले टाइप के पेड़ होते हैं तो फर का पेड़ हो गया स्प्रूस का हो गया पाइन का हो गया और हेमलो का पेड़ हो गया ये वो पेड़ है जो आपके कॉनिफेरस कैटेगरी में आते हैं ठीक है हाँ तो ये आपका आज का लास्ट है तो टूडेज वी हैव एक्सरसाइज टू मच संडे की एक्सरसाइज हमने अच्छी खासी कर ली और आपका काफ़ी जनरल नॉलेज भी हमने टेस्ट कर लिया लाइक वाइज आगे आने वाले संडे में हम और अलग अलग वैरायटी के जो आर्ट एंड कल्चर से भी कुछ क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं साइंस एंड टेक से भी लेके आ सकते हैं या हिस्ट्री का है ज्योग्राफी का है या इकोनॉमिक्स का है या कोई भी जो पोर्शन जो जीएस जनरल स्टडी का एक पार्ट बनाता है उसका लेके आपके समक्ष हाजिर होंगे हर संडे को ये प्रैक्टिस है वो घंटे भर की एक्सरसाइज आपको इवनिंग टाइम में करनी चाहिए घंटे दो घंटे की मॉर्निंग टाइम करनी चाहिए ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अपना आपकी तैयारी को एक मेमोराइज कर सकते हैं एक तरह से आपको मोटिवेशन मिलेगा तो आज सत्र यही